डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमें क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के जो चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर 4 करने हैं, 5 करने हैं, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। पहले 5 करेंगे फिर 4 करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट कवर करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनती है, ओपनिंग स्टॉक बच्चों आता है, उसमें नेट परचेजेज ऐड हो जाती हैं। नेट परचेजेज कैसे निकलती हैं, परचेजेज में कैरेज इनवर्ड ऐड, फ्रेट ऐड, डिस्काउंट माइनस, रिटर्न माइनस, तो नेट परचेजेज ये आपस में ऐड होंगी तो आंसर आएगा मटीरियल अवेलेबल। बच्चों मटीरियल अवेलेबल फॉर यूज, लेस क्या होगा बच्चों, इसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग मटीरियल। बेटे इसमें से लेस हो जाएगा क्लोजिंग मटीरियल, तो आपका आंसर आएगा मटीरियल यूज्ड। क्या आएगा बेटा, मटीरियल, इसको बाहर लिखना है मटीरियल यूज्ड को। जब भी दो नंबर्स की कैलकुलेशन करेंगे तो नीचे एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, जैसे मैंने लगाई है। इसके अंदर हम दो चीजें ऐड करेंगे, एक करेंगे बच्चों डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर ऐड होगी, और दूसरा होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये दोनों इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसका एक और नाम भी होता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है बेटे, तो ये तीनों चीजें मैंने क्या कर दी हैं, आपस में ऐड कर दी हैं, तो मेरा क्या आंसर आ गया, ये वाला टोटल। इसमें बेटा ऐड हो जाएगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बच्चों म्यूट कर लिया करो, जब आप वीडियो सुनोगे बाद में आप लोगों को फील होगा कि यार व्हाट वी डिड, म्यूट किया करो। अच्छा बच्चों, इसमें ओपनिंग ऐड होगा तो ओपनिंग को बिगनिंग भी बोलते हैं, तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक हो जाएगा, लेस हो जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। बच्चों मैंने कहा था दो की जब भी कैलकुलेशन करना लाइन लगाना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहां पे हम लिखेंगे ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारा आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यहां पे हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ना 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 यार, हम लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, तो बेटे हमारा आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारा पर्पज है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने याद करनी है। इनकम स्टेटमेंट कल डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन वन भी करवाऊंगा, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है अब, चूंकि मेरी इसके बाद बच्चों कुछ सेशंस हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, मैं एक कॉलेज के साथ कुवैत में काम कर रहा हूँ, तो कुवैत की मेरी क्लासेज हैं, तो बाकी इंशाल्लाह आई विल टॉक टू यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।